आंखें दिखाता है जिसे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है जिसे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है जुबा से कुछ कहूं कैसे कहूं किससे कहूं माहूं सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। तालियों से बड़ा करिए बैठे हैं तो पैमाना नहीं है कविता लेकिन लगे मैं जिस मन से लिखता हूं आप तक पहुंच रहा हूं। सुलाकर सोती थी जिसको वो अब सब भर जगाता है सुलाकर सोती थी जिसको वो अब सब भर जगाता है सुनाई लोरियां जिसको वो अब कहानी सुनाता है सुनाई लोरियां जिसको वो अब कहानी सुनाता है सिखाने में उसे क्या कुछ कमी मेरी रही सोचो जिसे गिनती सिखाई गलतियां मेरी गिनाता है जिसे गिनती सिखाई गलतियां मेरी अब बहुत अच्छा मुक्तक सुनिए पूरी जिंदगी याद रहेगा आपको। बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ कमी थी क्या कहने पर बड़ी खुशियां जुटाना जानती थी माँ कमी थी पर बड़ी खुशियां जुटाना जानती थी माँ मैं खुशहाली में भी रिश्तों में बस दूरी बना पाया मैं खुशहाली में भी रिश्तों में बस दूरी बना पाया गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना आप सुना दीजिए। जानती थी माँ नई ऊंचाई सच्ची है नए आधार सच्चा है नई ऊंचाई सच्ची है नए आधार सच्चा है न कोई चीज है सच्ची न ये संसार सच्चा है मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है। अद्भुत मुक्तक सुना रहा हूँ बहन जी ये जरूर साथ लेकर जाना और थोड़े से पुराने दिन याद आ जाए आपको तो आशीर्वाद देना। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा तो बहुत लोग कहें आशीष देना इस बार। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा जमी पर लेट कर अक्सर बिछोना बन गई अम्मा जमी पर लेट कर अक्सर बिछोना बन गई अम्मा रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की खिलौने दे न पाई तो खिलौना बन गई अम्मा। क्या बात है वाह इस मुक्तक को लिखने में 20 साल लगे मुझे ये लाइन नहीं आ रही थी दूसरी मैंने 1100 मुक्तक लिखे इसे लिखने में 11-12 साल लगे ये लाइन ही नहीं आई थी दूसरी और वो मुक्तक पढ़ता हूँ सुनने के बाद संतोष आनंद ने कहा मैं जिंदगी की सारी कविताएं दे सकता हूँ आपके बीच पढ़ता हूँ एक बार तालियां बजाइए यदि अच्छा पढ़ा जा रहा हो। हमारा तात्पर्य नहीं कि हमने कितनी देर पढ़ा हमें महत्वपूर्ण ये कि हम क्या छोड़ के जा रहे हैं आपके बीच में। चार पंक्ति सुनिए। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं अम्मा तेरे हाथों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा तेरे हाथों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं अम्मा मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुशाले रेशमी लेकिन मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुशाले रेशमी लेकिन तेरी गोदी सी गर्माहट
कहीं मिल क्या कहने दिनेश भाई गजब 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 गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा मेरी खुशियों को मिलकर बांटने वाला कोई तो हो मेरी खुशियों को मिलकर बांटने वाला कोई तो हो गमों के बादलों को छांटने वाला कोई तो हो अगर घर देर से लौटूं उसी अधिकार से अब भी मेरी गलती पे मुझको डांटने वाला कोई तो हो एक यूनिक बुक तक सुनिए गांव तक पहुंचा दूं बिना जिंदा दिली के जिंदगी मुश्किल से आती है बुजुर्गों को हिकारत की नजर से देखने वालों बुजुर्गों के बिना घर में खुशी मुश्किल से आती है तपस्या करता हूँ कविता में थोड़ा हाथ बुलंद कर दीजिए मैं चाहता हूँ आप तक पहुंच जाए चार पंक्ति सुन लेना भरे घर में वहां बिल्कुल अकेली रह गई अम्मा मेरे सपनों में आकल रात सब कुछ कह गई अम्मा मेरे सपनों में आकल रात सब कुछ कह गई अम्मा मेरे सपनों में आकल रात सब कुछ कह गई अम्मा इधर परदेश में दो बूंद छलकी थी इन आँखों से इधर परदेश में दो बूंद छलकी थी आँखों से इधर परदेश में दो बूंद छलकी थी इन आँखों से वहां पर गांव में जैसे नदी बन बह गई क्या बात है वाह दिनेश और अब आपने विदाई देनी है प्रधान जी आपको भेजूंगा नहीं ये मुक्तक सब लेना भाई साहब आखिरी आज का बेटा ये जरूर सुनना कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी कभी सोचा न था ये जिंदगी जिंदगी कोई बात नहीं समय भेटे खुशी आपका हृदय से धन्यवाद जो मन दिया है आपने धन्यवाद बहुत बहुत सारे तालियां बजाए बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ दिनेश भाई का अग्रवाल सभा का और सत्येंद्र जी का आपने जितने मन से लास्ट में सुना आपने देखा हुआ एक अलग से नजारा